नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई में स्टूडेंट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। धारावी में 10वीं और 12वीं के ऑफलाइन एग्जाम का विरोध कर रहे थे छात्र। मुंबई मायानगरी मुंबई के धारावी इलाके के पास छात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल 10वीं और 12वीं के छात्र एग्जाम को ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान हजारों छात्रों ने इलाके के रास्ते को तकरीबन घंटे भर तक रोके रखा। इसकी वजह से पूरे धारावी इलाके में भयानक जाम है। छात्रों के हुजूम को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। वर्षा गायकवाड़ के घर पर प्रदर्शन। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के मुंबई स्थित घर पर भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के धारावी वाले घर पर भी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया है। दरअसल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑफलाइन कराने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में छात्रों ने यह प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने किया विरोध। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने ठाकरे सरकार को घेरते हुए कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी मांगे जायज हैं। दरेकर ने कहा कि जिस जगह पर लाठीचार्ज हुआ है वहां से महज कुछ फासले की दूरी पर मुख्यमंत्री का घर है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे को खुद इसमें दखल देना चाहिए ताकि छात्रों को राहत मिल सके। छात्रों का राज्यव्यापी आंदोलन। आंदोलनकारी छात्रों ने पूरे राज्य में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। मुंबई पुणे औरंगाबाद नागपुर में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने सड़क पर उतर कर हंगामा किया है। नागपुर में छात्रों की तरफ से बस पर पथराव भी किया गया। कहा जा रहा है कि बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाव के भड़काने पर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक भी होता जा रहा है। हिंदुस्तानी भाव ने भड़काया। हिंदुस्तानी भाव में सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के धारावी स्थित घर पर जाकर दोपहर 12 से शाम 4 के बीच आंदोलन करें ताकि छात्रों की मांग सरकार तक पहुंच सके। और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, हमारे यहाँ पे आदिवासी गाँव है, जगह पे घर है लोगों के, और ऐसे समय में एक पेंसिल पेपर होता है। जैसा हम भी जानते हैं, 2 साल से हम भी एजुकेशन में जब से काम कर रहे हैं तब से हमको पता है कि कोविड आने से बहुत सी परिस्थितियाँ बदल गई है। बच्चे के अंदर एक अलग से टेंशन हो गया क्योंकि उनको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, कोविड से और दूसरी जगह पे पढ़ाई के लिए। इसीलिए हमने बहुत से निर्णय लेते वक्त ये सोचा कि बच्चों को लिखने के लिए कोई तकलीफ हो रही है क्या, तो उनको टाइम बढ़ा के दे पर एग्ज़ाम के लिए, अगर बच्चों को दूर जाने की असुविधा नहीं हो। इसीलिए हमने वही स्कूल में सोच रहे हैं हम लोग की एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिकल में हम लोग क्या चीज़ें करें ताकि बच्चों को उसमें आसानी हो। तो हमारी लगातार एक्सपर्टी से चर्चा चलती है, लोकल बॉडी से चर्चा चलती है, हमारे वहाँ के शिक्षण अधिकारी से चर्चा चलती है कि मॉनिटरिंग करें हम पूरी परिस्थितियों की, क्योंकि हमने शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसीलिए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। आज का जो मोर्चा हुआ इसके लिए भी मैंने उनके संगठन के प्रमुख जी से बात की और उनको कहा कि आप हमसे आइए,
आपकी जो भी सूचना है उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, क्योंकि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा है, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी ये भी सोच है कि जो पिछला 2 साल का बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करें। ये एग्जामिनेशन के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जल्दी लें और बच्चों का 11वीं का एडमिशन और 13 का एडमिशन टाइम से हो, ताकि बच्चों का अगला साल मुझे लगता है सुरक्षित हो। मैम, क्या लगता है इस तरह से आंदोलन हो रहा है, हिंदुस्तान की लड़की का नाम आ गया? मैं यही कहूँगी कि मैंने अभी उनको बहुत से चैनल से बात की, उनको मैंने यही कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, बच्चों के हित की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन और शिक्षा की बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे माना है कि मैं आता हूँ आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि आज बच्चे हमारे बहुत सारे जो है वो स्ट्रेस में है, एक कुछ ना कुछ संग्रह का वातावरण भी इससे पैदा होता है। तो मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आपके मन को शांत रखें। और सरकार पूरी तरह से ये जानती है, पूरी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आपकी सुरक्षा भी हो, आपका आरोग्य भी रहे और साथ ही साथ में आपकी शिक्षण और आपका एजुकेशन कंटिन्यू रखें। इसके लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से निर्णय लेंगे। मैम, संभव है ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट रखते हुए? नहीं, आपको तो किस वजह से हुए और क्या इसमें स्टूडेंट ही थे या और भी कोई लोग थे? देखिए, अभी आज जो मॉब धारावी में अशोक मिल कंपाउंड में जमा हुई थी, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और उनका बेसिकली डिमांड यह है कि हमारा जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ऑनलाइन पद्धति में जो एजुकेशन हुई है, तो उसी हिसाब से 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने चाहिए, ना कि ऑफलाइन। तो उस डिमांड को लेकर वो इधर आए थे। उनको बहुतों को हमने कन्विंस किया और कन्विंस करके हमने वापस भेजा, और उसके बाद काफ़ी उन्हें कन्विंस किया गया कि ये जो डिमांड्स हैं वो कैसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू आप भेजें। एंड उसके बाद काफ़ी लोग उसको मान के डिस्पर्स भी हुए, और जो नहीं हुए उनको हमने अपने तरीके से कन्विंस करते हुए, पुश करते हुए हमने उनको डिस्पर्स किया। सर, ये बताया जा रहा है, स्टूडेंट का कहना है कि कोई हिंदुस्तानी भाऊ है जिसकी कहने पर वो लोगों ने यहाँ आंदोलन लिया, क्या उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? अभी पूरा वस्तुस्थिति जानते हुए, आफ्टर दिस इवेंट इज़ ओवर, जो भी इशू है और क्या कैसे ये हुआ उसका पूरा इंक्वायरी किया जाएगा, और उस हिसाब से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर, स्टूडेंट की एक शिकायत ये भी थी कि पुलिस 17 साल के 15 साल के बच्चे थे उन पर हाथ उठाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, और जो भी पद्धति है अभी आप सभी को पता है 144 लागू है, और इसमें 500-600 की मॉब को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आसपास की कायदे और सुव्यवस्था की जो एक एक सिचुएशन है, उसकी जो एक अहमियत है, उसको ध्यान में रखते हुए, सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें सिर्फ प्रॉपरली डायरेक्ट किया और डिस्पर्स किया। सर, अभी जो पूरी घटना हुई इसको पुलिस किस नज़रिए से देख रही है, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? इतना टाइम नहीं है मेरे पास ना, तुम